आज मैं आप लोगों को 2016 के एक ऐसे आईफोन का राज बताने जा रहा हूं जो भाई आप लोगों को जान के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये स्मार्टफोन 2016 में लॉन्च हुआ था और ये है एप्पल का आईफोन 7 जो हमने भाई अभी थोड़े दिन पहले ही खरीदा है सेकेंड हैंड मार्केट से। तो मैं आपको बताऊंगा जो सेकेंड हैंड मार्केट के स्मार्टफोन होते हैं, आईफोन होते हैं, क्या ये लेने लायक होते हैं या नहीं होते और कैसे चलते हैं, इनके कैमरा कैसे होते हैं, बैटरी कैसी होती है, परफॉर्मेंस कैसी होती है, सारी चीजें आप लोग आज वाली वीडियो के अंदर पता चल जाएंगी। तो अगर आप लोग भाई पहली बार चैनल को बढ़ा तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दबो चलो सब्सक्राइब वाले बटन को, जल्दी से 6 लाख की फैमिली कंप्लीट करनी है और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज का स्मार्टफोन की वो है भाई इसका डिजाइन, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वाला नहीं है, ये थोड़ा पुराना डिजाइन का है। आप लोग कैसे लगता है वाला डिजाइन, आप लोग जल्दी कमेंट करो। बट उससे पहले अगर आप लोग देखोगे ना, नॉर्मल सा डिजाइन है, कुछ ऐसे खास नहीं है। बट 2016 के हिसाब से भाई ये फोन का डिजाइन बहुत ही ज्यादा कमाल का था। ये पीछे ना पूरा एल्युमिनियम का डिजाइन है, यहाँ पे हमारे को एप्पल लोगो देखने को मिल जाता है ऊपर की साइड में, नीचे साइड में यहाँ पे ना एंटीना इसके बैंड्स हमारे को देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल जो फॉर्म फैक्टर है इस फोन को हाथ में यार बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मतलब आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है ये स्मार्टफोन और साथ ही बहुत ज्यादा लाइट वेट भी है। अब देखो भाई खुली वादियों के साथ अगर हम लोग अंदर आते हैं वापस तो बात करते हैं अब डिस्प्ले के डिजाइन के बारे में। जैसे मैंने बताया डिजाइन इस फोन का आज भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन ये फोन उतना बढ़िया नहीं लगेगा या फिर उतना मॉडर्न नहीं लगेगा जब आप लोग इसे कंपेयर करोगे लेटेस्ट आईफोन के साथ। नया वाला आईफोन तो कुछ ज्यादा ही कमाल का लगता है और आपको पता है आजकल फोन बड़े भी बहुत हो गए। लेकिन वही बात आती है अगर इसकी डिस्प्ले, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिजाइन के मामले में, तो सामने की तरफ आपको 4.7 इंच का एक IPS रेटिना पैनल देखने को मिलता है। अब ये जो पैनल है ये फुल HD पैनल भी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक नॉर्मल 720p से थोड़ा सा ज्यादा रेजोल्यूशन वाला पैनल है। अगर आप लोग वैसे देखोगे ना, और जब ये फोन उस टाइम पर आते भी थे तो भाई हमें कोई दिक्कत कभी हुई नहीं इनसे, क्योंकि भाई डिस्प्ले ना छोटी है तो उससे क्या होता है पिक्सल डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और ओवरऑल जो पिक्सल अरेंजमेंट है इतना बढ़िया लगता है कि आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, क्वालिटी मस्त लगती है। और बाकी कलर के मामले में देखो एप्पल हमेशा से बढ़िया रहा है, ये कलर के सेक्शन में तो कोई दिक्कत आपको लेने वाली बात होगी नहीं इन फोनों से, ना आज तक हुई है। तो डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में आपने जान लिया, लेकिन अब बात करें अगर भाई पीक ब्राइटनेस की तो बाहर की साइड में आपको इसके अंदर 625 निट तक पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि आउटडोर के अंदर यार मैं समझता हूं मेरे को बल एक व्यूएबल है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे हमारी लाइक आउटडोर के अंदर आराम से इजीली विजिबल है डिस्प्ले, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। अगर मैं सेटिंग्स खोल रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, इवन अगर मैं फोन को डार्क मोड में डाल लूं ना, डार्क मोड में डालने के बाद थोड़ा सा अलग लगता है, एक बार डार्क मोड में डालते हैं। एंड डार्क मोड में डालने के बाद भाई फोन इजीली विजिबल है। एंड ये जो ब्राइटनेस है ना यार, ये मैं सच बता रहा हूं, अगर आप इंडोर में भी देखते हो तो भाई बिल्कुल सही चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। 625 निट्स इंडोर एंड आउटडोर दोनों के अंदर बढ़िया काम करती है। अब देखो ये जो फोन आता है भाई मोटी मोटी बेजल्स के साथ, अगर आप देखोगे ऊपर की साइड में आपको कितनी ज्यादा मोटी बेजल देखने को मिलती है, नीचे की साइड में भी देखने को मिलती है। अब ये दिखने में मैंने आपको बताया थोड़ा आउटडेटेड लगता है, लेकिन इस मोटी बेजल से एक फायदा हो जाता है कि आपको इसके अंदर होम बटन मिलता है। और ये जो होम बटन है भाई ये एक्चुअल बटन भी नहीं है भाई, ये नॉर्मल से ऐसी बटन है और ये जब प्रेस करते हो ना आप लोग तो इसके अंदर ना टैप्टिक इंजन है, मतलब इसका जो हैप्टिक मोटर है ना वो इस तरीके से काम करती है कि लगता है कि आपने बटन को दबाया है, जबकि बटन को आप लोग दबा भी नहीं रहे हो। देख रहे हो विदाउट दबाए मजा आ गया चीजों का। ये थोड़ा नॉनवेज जो है, लेकिन यहाँ पे सच बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा अलग फील आती है इसको जब आप लोग प्रेस करते हो एंड ये अलग लगता है। अब इसकी डिस्प्ले जो है भाई ये 3D टच सपोर्ट करती है, तो नॉर्मल डिस्प्ले जो थी उसमें 3D टच नहीं आता था, बट इस वाली फोन के अंदर आपको 3D टच डिस्प्ले देखने मिलती है। मतलब प्रेशर सेंसिटिविटी है इसके अंदर, अगर आप लोग इसे प्रेस एंड होल्ड करते हो ना तो ये भाई इसके जो क्विक मेन्यू होता है, क्विक टॉगल्स आता है, वो सारे ओपन कर लेता है, तो ये चीज आपको इसमें देखने मिलती है। तो होम बटन जो है इसका वो भी 3D था और 3D टच भी देखने मिलता था, ये सब चीजें बढ़िया थी। साथ ही इसके जो टैप्टिक इंजन है जिससे कि वाइब्रेशन आपको जो फील होती है वो बहुत अलग लेवल की आती थी इसमें, क्योंकि इसके अंदर भाई वो डेडिकेटेड अलग से भाई बनाई थी और बहुत सच में अलग लगती है। बट वहीं पे देखो यार ये फोन ना कॉम्पैक्ट बहुत ज्यादा और पतला बहुत ज्यादा है, तो मैं आज जब इसे यूज कर रहा हूं 2024 में, करीब करीब कितने साल हो गए इसको, 4 साल लिए, 4 साल वो 8 साल बाद जब मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं, तो भाई ये फोन आज भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है इन हैंड, तो नो डाउट। क्योंकि जब मैं इतने बड़े आईफोन 15 प्रो मैक्स को अपनी जेब में रखता हूं तो भाई जेब नहीं है पूरा जेबा बन जाती है। वहीं पे जब मैं आईफोन 7 को यहां जेब में रखता हूं देख सकते हो पता ही नहीं चल रहा कि हमने फोन रखा हुआ है। अब देखो इसको हम निकालते हैं तो थोड़ा इस तरीके से निकला और इसको निकालते देखो कि जल्दी से निकल गया, तो भाई सच में इस मामले में तो काफी ज्यादा मस्त रहता है। ये फोन भाई 60,000 रुपए का लॉन्च हुआ था 2016 में, और भाई 60,000 2016 में देने का मतलब ये था कि भाई आप सच में बहुत अमीर हो, और उस टाइम पर 60,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी, मतलब आज भी बड़ी रकम है लेकिन आजकल लोग ले लेते हैं, बट उस टाइम पर 60,000 का ये फोन लेना मतलब कि भाई आप अंबानी से कम बिल्कुल नहीं हो। अंबानी मेरे पे। अगर बात करें भाई 60,000 क्या इसमें ऐसा खास था, देखो भाई सबसे पहली चीज थी एप्पल ब्रांड वैल्यू, और सेकंड भाई सारे फ्लैगशिप चीजें, जैसे कि इसके अंदर आपको IP67 की रेटिंग मिलती थी, उस टाइम पर जो सबसे टॉप लेवल की रेटिंग थी वो इस वाले फोन में थी, जो कि भाई आप थोड़ी आपको पुरानी लगेगी लेकिन भाई ये आज भी आपको 67 देता है। अगर आपको एक ऐसा फोन मिल जाए जो सील पैक था तो आप आज उसे पानी में डुबो सकते हो, लेकिन मैं नहीं डूबूंगा क्योंकि ये फोन तो मेरा खुला पड़ा है। अब देखो थर्ड पॉइंट आता है इस फोन की परफॉर्मेंस का। अब देखो भाई 2016 में फोन लॉन्च हुआ था, मतलब 8 साल पहले जो एप्पल के प्रोसेसर कैसे थे, क्योंकि भाई एप्पल अपने प्रोसेसर को लेकर भाई ऐसे बोलता रहता है हमारे प्रोसेसर बेस्ट है, हमारे प्रोसेसर बेस्ट है,
आए तो भाई पता नहीं कितना समय तक चलते हैं। क्या ये 8 साल पुराना फोन अभी तगड़ा है, क्योंकि इसमें हमारे को एप्पल का A10 फ्यूजन चिपसेट देखने को मिलता है और ये एक 16 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपको एज पता चल रही होगी इसकी कि भाई अभी जो आ रहे हैं वो 4 नैनोमीटर पे 5 नैनोमीटर बेस्ड आ रहे हैं और ये 16 नैनोमीटर पे था, मतलब काफी बड़ी इसकी ओवरऑल फैब्रिकेशन प्रोसेस थी। अब देखो परफॉर्मेंस के मामले में हमने जब इसमें गीकबेंच रन करा तो सिंगल कोर स्कोर और इसका मल्टी कोर स्कोर पता नहीं लगभग सिमिलर सा ही आ रहा था और एंड्रॉइड भी हमने रन करा और एंड्रॉइड यार मैं क्या ही दिखाऊं, लेकिन आप लोग देख लो एंड्रॉइड कुछ इतना आ रहा है इस फोन का। अब यहाँ पे एक और चीज है, इस फोन के अंदर ना iOS 10 आया था और ये जो लाइक फोन की सपोर्ट मिला ना पूरा वो मिला हमारे को iOS 15.7 तक, मतलब मेजर अपडेट iOS 15.7 तक का आया है, उसके बाद इसमें अपडेट्स आने बंद हो गए हैं। तो ये चीज है, बाकी सिक्योरिटी अपडेट कभी बार आ जाते हैं बट अब मेजर अपडेट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मतलब डिसकंटिन्यूड हो चुका है और एप्पल ने सपोर्ट भी खत्म कर दिया इस फोन का, 8 साल के अंदर ये चीज होती है। लेकिन भाई अभी मैंने चेक करा जब दोबारा से मैं आपको ऐसे सस्पेंस बना रहा था, वो ये है कि भाई इसके अंदर हमारे को iOS 15.8.1 का अपडेट देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये वाला अपडेट हम लोग इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, अराउंड 230 MB का है। तो नॉर्मल से सिक्योरिटी अपडेट्स है जो इस फोन के लिए अभी भी आ रहे हैं। अब 2 GB रैम के साथ आने वाला ये फोन 32 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज देता था उस टाइम पर, इससे पहले वाले मॉडल के अंदर 16 GB आती थी, 7 के अंदर 32 GB करती थी, मतलब बढ़ा दी थी, डबल कर दी थी, तो आपको थोड़ी ज्यादा स्टोरेज मिल जाती थी। बाकी इसमें हमारे को 2 GB की रैम देखने को मिलती है। नॉर्मल से देखो बात है परफॉर्मेंस वाइज, अब तो देखो उतना बढ़िया आपको वो लाइक करेगा नहीं, क्योंकि ये फोन गर्म भी होने लग जाता है और बैटरी भी एकदम से जाती है नीचे। बैटरी के बारे में थोड़ी देर में बता दो, बट उससे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कैमरा की, क्योंकि इसमें आपको 12 MP का सिंगल कैमरा शटर देखने को मिलता है पीछे की साइड में, सिर्फ एक कैमरा इस फोन के अंदर और सामने की तरफ में भी आपको सिंगल एक कैमरा देखने को मिलता है जो कि 7 MP का है। तो अगर हम बात करें भाई कैमरा की, कैमरा की बात करने के लिए थोड़ा दोबारा बार चलते हैं भाई, अब स्टार्ट करते हैं कैमरा सैंपल्स के अंदर 12 MP का जो कैमरा है वो किस तरीके से कमाल करता है भाई। एंड ये भाई फोटो क्लिक कर लेते हैं सनफ्लावर्स की, ओह हो मजेदार फोटोज आ रही हैं एंड 2-4 फोटोज हम लोग और क्लिक करेंगे। यार कैमरा सच बताऊं 8 साल पुराने फोन के हिसाब से भाई काफी तगड़ी फोटोज क्लिक कर रहा है, मेरे को सच में ऐसा यकीन नहीं होता भाई इससे तगड़ा कैमरा काम करेगा। और भाई फोटो सच बता रहा हूं इतनी ज्यादा कमाल की आ रही है ना, मेरे को मजा आ गया देख के। अब 2-4 फोटोज और क्लिक करते हैं भाई चलते चलते जैसे कि, और अगर मान लो मेरे को भाई ब्लॉक करने का मन कर गया, ठीक है चल चलते मेरे को ब्लॉक करना है, तो ये हम लोग ब्लॉक कर लेंगे भाई इसके फ्रंट कैमरा से, कुछ इससे व्लॉगिंग कैपेबिलिटी आती भाई इस वाले फोन के अंदर। अगर आपको भाई पसंद आ रहा हो कैसा आ रहा होगा जो भी आ रहा होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। तो ये तो भाई इसके कैमरा की बात हो गई, अब 2-4 फोटोज में और क्लिक करता हूँ भाई। यहाँ पे हम लोग पार्क में आ रखे हैं, देखते हैं भाई कैसी फोटोज आएंगी। तो देखो यार मैंने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज क्लिक करी है और भाई ये ना इतना पुराना फोन इतनी बढ़िया फोटोज क्लिक करेगा मेरे को यार सच में नहीं लगा था, काफी ज्यादा अच्छी फोटोज आ रही है इस फोन से नो डाउट। बट देखो उतनी डिटेल अगर आप लोग देखोगे तो वैसे नहीं है, बट ना अगर आप ध्यान दोगे तो इस वाली फोटो के अंदर ना बैकग्राउंड ब्लर काफी अच्छा हुआ है, इवन जो फोरग्राउंड है वो फोकस्ड में है। तो बोले ये ना एक बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे आईफोन के कैमरास की, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रहते हैं बट वाइट बैलेंस हो गया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अब उतनी बढ़िया नहीं काम करती, बट स्टिल जो क्वालिटी काफी सही आ रही है। बट वहीं पे स्किन टोन्स की बात करो और फ्रंट कैमरा की बात करो तो फ्रंट कैमरा इतना बढ़िया नहीं है इस फोन का। जैसे कि मैंने यहाँ पे लैंडस्केप की 2-4 फोटोज क्लिक करी है, मेरे को ना अलग अलग शॉट समझ आ रहे हैं, बट वो ये कैमरा अब उतना बढ़िया नहीं है बट स्टिल काफी अच्छी फोटो क्लिक कर रहा है। और अगर मैं एंड्रॉइड से कंपेयर करूँ ना भाई आज के 2016 या 2017 वाले उनसे बेटर है भाई इसकी फोटो नो डाउट। खुली वादियों में भाई आईफोन का कैमरा टेस्ट करने का मजा ही कुछ और है भाई, यहाँ पे पता चलता है कि भाई फोन की डे लाइट के अंदर किस तरीके की क्वालिटी हमारे को देखने को मिलेगी। और भाई जब इतने सारे फूल पौधे हैं और पेड़ पत्ते हो ना देख के मजा ही दुगना हो जाता है। एंड वहीं पे जब हमने भाई इस वाले फोन की वीडियो को भी टेस्ट करा ना तो वीडियो इसकी 4K 30 FPS तक आती है, 60 FPS से फोन सपोर्ट नहीं करता, बट क्वालिटी अगर आप देखो क्वालिटी सही है लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर नॉइज अब आपको देखने को मिल जाएगी शेडो पार्ट के अंदर। अब लास्टली बात करेंगे, देखो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई इस फोन के बारे में, अब बात आती है एक और मेजर चीज की, वो इसकी बैटरी। अब ये फोन भाई सिर्फ 136-137 ग्राम का है, मतलब काफी ज्यादा हल्का फोन है स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो उस हिसाब से इसके अंदर आपको 1960 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 1960 mAh की बैटरी इंग्लिश के अंदर समझा देता हूँ, तो ये बहुत ज्यादा छोटी बैटरी होती है और ये फोन के अंदर उतनी चलती भी नहीं है, क्योंकि सच बता रहा हूँ आज के टाइम पे देखो हल्का सा भी कुछ काम करता हूँ मैं गर्म लग जाता है और बैटरी ऐसी गिरती है जैसे भाई क्या ही हो गया हो, सीधा आप लोग आसमान से नीचे गिर जाओगे ऐसा लगता है। तो भाई बैटरी के मामले में अब ये फोन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, अगर आप लोग इसके अंदर ऑफिशियल बैटरी अपग्रेड कराते तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट इस वाले फोन के अंदर जो पुराना फोन है इसकी बैटरी तो बिल्कुल नहीं चल रही ढंग की, और ये होना भाई बहुत लाजमी है क्योंकि भाई ये फोन पुराना भी हो गया और साथ ही में इसकी बैटरी चेंज भी, और चेंज जो हुई होगी भाई वो चाइनीज वाले किसी ने कर दी होगी, मतलब नॉर्मल लोकल लगा दी होगी, तो उस वजह से बैटरी बैकअप इस फोन का बिल्कुल नहीं आ रहा। बट ये फोन जब नया था तो उस टाइम पर ज्यादा बेटर होगा, लेकिन आजकल के टाइम पर यार जो एप्लीकेशन है ना वो भी काफी ज्यादा हैवी हो गई है तो उस वजह से दिक्कत आ सकती है। बट अगर आप एक चीज आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसमें व्हाट्सएप चलाना चाहो, जीपे चलाना चाहो, ये सब चीजें इसमें सब चलती हैं आज भी, तो उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज कभी हो जाए कुछ हो जाए तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इसमें बैंकिंग एप्लीकेशन चलाओ, बट हाँ चल जाती कोई दिक्कत नहीं आती। और सबसे बड़ी बात भाई ये वाला जो फोन था ये 4G नहीं है, इसमें आपको सिर्फ 3G कैपेबिलिटीज देखने मिलती है और भाई आजकल के टाइम तो भाई 5G अनिवार्य हो गया है। तो ये वाला फोन 2024 के अंदर कुछ इस तरीके का परफॉर्मेंस आप लोगों को देगा, कुछ ऐसा रहेगा 8 साल बाद आईफोन का हाल कुछ ऐसा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो 15 प्रो मैक्स आ जाए क्या वो 8 साल बाद ऐसी होगा या फिर कुछ अलग हो सकता है, देखते हैं यार उसके अंदर ज्यादा मजा आएगा। तो देखो भाई एट द एंड अगर आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे भाई मैं ये वाला फोन रिकमेंड करता हूं या नहीं करता, देखो भाई अगर आप लोगों के पास ज्यादा ही पैसा है लाइक आप कलेक्शन करना चाहते हो फोन की तो ये ले सकते हो रख सकते हो लेके, बट देखो भाई यूजेबिलिटी के हिसाब से तो ये फोन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है आपके टाइम पे। तो बस यार यही थी वीडियो, अगर आपको पसंद है डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस बाय बाय।